हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग फिटनेस में। मैं हूं विकास। मैं आज आपको एक ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है और ये एक्सरसाइज हमको बहुत बेनिफिट देती है। इसका नाम है प्लैंक। प्लैंक एक ऐसे एक्सरसाइज है जो हमारे कोर एरिया, पेट एरिया को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए काम में आती है। ये हमारे पेट से चर्बी भी कम करती है, लेकिन उसके साथ आपको अच्छा वर्कआउट और डाइट को मेंटेनेंस करके रखना होगा। और हम आज आपको बताएंगे प्लैंक करने का सही तरीका, कई मिस्टेक्स और कैसे इसके फायदे होते हैं, और इसको आप कैसे डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। और हम इसको बताएंगे नए लोग जो इसको करना चाहते हैं वे कैसे करें, और जो पुराने लोग हैं और जो करते आ रहे हैं उनको कैसे करना है, आज हम सब डिटेल से बात करेंगे। चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप प्लीज हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको हार्ड सरफेस चाहिए रहेगा, उस पर आप कुछ भी बिछा सकते हैं, जैसे मैंने आज चटाई यूज की है। और इसके बाद सबसे पहले पोजीशन आप अपने नी पे आएंगे। इसके बाद सबसे पहले अपना ये फोरआर्म्स को बराबर ये रखेंगे और दूसरा फोरआर्म्स रखेंगे शोल्डर के बाहर, शोल्डर के बराबर। और फिर धीरे से अपना पैर पीछे ले जाएंगे, पीछे दोनों पैरों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और हम ऐसे पोजीशन पे सामने देखेंगे और थोड़ा हिप ऊपर रहेगा ये, और ये रही हमारी पोजीशन तैयार। लोग क्या गलती करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ये सब गलत पोजीशन है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको मेजर 3 गलतियां बताना जा रहा हूँ जो कि लोग अधिकतर करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं, दोनों अपने हाथों को पास रखना, फोरआर्म्स को पास रखना और अपने हिप को ऊपर उठा लेना, सबसे पहली गलती ये है। ये अधिकतर लोग गलती करते हैं। और अब मैं बताऊंगा आपको दूसरी गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं, अपनी ये जो कमर है इसको नीचे कर लेना। इस कमर को नीचे करने पे हमारे इंजरी हो सकती है लोअर बैक में। गलती क्या करते हैं, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। गलती ये करते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं और कमर ये कर लेते हैं। देखिए मेरी कमर नीचे का है, ऐसे अगर होने पे हमारी लोअर बैक में इंजरी होने के बहुत चांस होते हैं। और सबसे बड़ी मेजर गलती, सब लोग अपना हाथ का पोजीशन जो है इस शोल्डर के बराबर न रखकर कहीं कुछ लोग आगे रख देते हैं ऐसे करके, कुछ लोग क्या होते हैं पीछे रख लेते हैं, अपनी बॉडी को आगे कर लेते हैं। ये गलती है। अब मैं इसका सही तरीका बताऊं, अपना फोरआर्म्स को यहां रखना शोल्डर के बराबर, ना हमारा शरीर आगे पीछे रहेगा ना आगे रहेगा, बीचों बीच रहेगा, जिससे हम लोग स्टन रह सकते हैं एकदम ये। और हम अपने पैरों को जो पीछे के पैर, इसमें अगर आप नए हैं थोड़ा गैप करके इजी बना सकते हो और हिप थोड़ा से ऊपर कर सकते हैं ऐसे। अगर नहीं है आप अच्छे से करने चाहते तो गैप कम करेंगे और हिप बराबर रखेंगे और सामने देखेंगे। ये रही हमारी 3 मेजर मिस्टेक। जो नए हैं उनको कम से कम इस एक्सरसाइज को 30 सेकंड करना चाहिए और कम से कम 3 को सेट करने की कोशिश करें, और जो पुराने हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उनको कम से कम 1 मिनट और 3 से ज़्यादा सेट करने चाहिए, जिससे उनके अच्छी तरह कोर मसल डेवलप हो सकें और स्ट्रेंथनिंग हो सके। हाँ दोस्तों, आज हमने आप प्लैंक एक्सरसाइज करके दिखाई है आपको। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्लैंक के होने वाले फायदे। प्लैंक को करने से आपकी पेट के एरिया मजबूत होता है, आपके यहाँ का फैट रिलीज होता है और आपका फैट लॉस होता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, घर का अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, बाहर के खाने से दूर रहें और अपना डेली रूटीन पे इसको करें। अगर आप नए हैं तो आप इसको कोशिश करें जितनी देर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घुटनों पे रख के नी का सहारा लेके भी आप कर सकते हैं। अगर आप काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इसको कई सेट्स में कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।